ऑल वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बहुत टाइम बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो के साथ आई हूँ। मतलब इतने टाइम से मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, मतलब लॉन्ग वीडियो तो बनाई नहीं है, शॉर्ट्स पे मैंने बहुत ही थोड़ी वीडियो बनाई। सो अभी मैं एक से डेढ़ महीने के लिए मैं बिल्कुल ही ऑफ हो गई थी यूट्यूब से। सो वो आपको बातें पता चलेगा कि मैंने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया था। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैं डेफिनेटली रिपर्चेस करने वाली हूँ आगे भी और उससे आगे भी और उससे आगे भी। सो बेसिकली आज की वीडियो का टाइटल ही ये है कि प्रोडक्ट्स दैट आई रिपर्चेस डेफिनेटली। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट है वो एक स्किन केयर से है, एंड अगर आपने मेरी वीडियोज बहुत टाइम से देखी है तो आपको पता होगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। सो वो है ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। मैं इस मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ और यूज़ नहीं कर सकती हूँ दिन में। इसको मैं कभी कभी तो बहुत बार यूज़ करती हूँ, जैसे मतलब हम लोग नहाकर मैं इसको अपने डेली स्किन केयर में इंक्लूड करती हूँ। बहुत बार मैं रात को भी इसको यूज़ करती हूँ, और अभी जैसे मतलब मैंने मेकअप यूज़ किया हुआ है तो मैं मेकअप अभी रिमूव करूँगी, उसके बाद भी मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है, एंड इसका प्राइस दे रखा है इस पर 220, बट ये ऑनलाइन कभी भी आपको इतने प्राइस में नहीं मिलेगा, बहुत ही सस्ते में मिलेगा। इससे तो डेफिनेटली सस्ते में मिलेगा क्योंकि जो इसकी MRP लिखी होती है उसमें ये कभी भी ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं होता, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि इतने कम प्राइस में इसमें आपको क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। ये मेरा बहुत ही लंबे समय तक चल जाता है, एंड आई थिंक ये मैंने शायद ये मेरा थर्ड परचेज होगा इसका, थर्ड और फोर्थ। तो मतलब आप सोच सकते हो कि मैं इसको कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरा ये कितना ज़्यादा फेवरेट होगा। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है, जैसे मतलब मैंने बताया अपनी वीडियोस में पहले भी बहुत बार, मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, बट शायद मौसम की वजह से अभी मेरी स्किन ऑयली से वो कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आपको ये बहुत अच्छे से सूट करे, क्योंकि सबसे मेन कि ये नॉन स्टिकी है और एकदम जेल फॉर्म वाला इसका टेक्स्चर है, तो बिल्कुल भी आपकी फेस पे एकदम हैवी फील नहीं कराएगा, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं कराएगा। और अगर आपकी ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हो, बट इसमें एक और वेरिएंट आता है, ये सुपर लाइट है, एक लाइट मॉइस्चराइज़र भी आता है इसका, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अगर आपकी नॉर्मल जो ड्राई स्किन है। विंटर्स में ज़्यादातर वही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जो इसका दूसरा वाला वेरिएंट आता है, क्योंकि विंटर्स में कभी कभी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है। सो उसका ना एकदम वैसा टेक्सचर है जो एकदम क्रीम बेस्ड होता है, ये एकदम जेल बेस्ड है, तो समर्स के लिए ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, और विंटर्स के लिए आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं बेशक अलग अलग वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ, बट एक ही ब्रांड के कर रही हूँ, तो मुझे अलग अलग ब्रांड लगाना फेस पे इतना पसंद नहीं है, और स्किन केयर में ज़्यादातर अपना चेंज नहीं करती हूँ, जो मुझे सूट हो रहा है वही सूट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मतलब एक वीडियो के लिए मैं आपको ये बताऊँ कि इस वीडियो मैंने ये यूज़ किया, अगली वीडियो मैंने ये यूज़ किया, नहीं, मैं मेकअप चेंज कर सकती हूँ, बट मैं स्किन केयर के प्रोडक्ट्स वही सेम रखूँगी जो मुझे सूट होते हैं। अगर आप में से कोई भी मेरी स्किन टाइप है, और अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी टाइम से कोई मॉइस्चराइज़र अच्छा ढूंढ रहे हो इन अफोर्डेबल, सो आप ये ले सकते हो, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो या नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट था ये वाला, सो आप डेफिनेटली ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो नंबर सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो भी स्किन केयर प्रोडक्ट ही है, क्योंकि अगर हम स्किन केयर की बात करें तो पहले हम स्किन केयर वाले प्रोडक्ट ही देख लेते हैं। सो मैं बात कर रही हूँ ये डर्माको की 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। सो मुझे ना बहुत टाइम से कोई सीरम चाहिए थी, एंड मैंने काफ़ी सीरम यूज़ करी भी है, इससे पहले मैंने 2-3 सीरम यूज़ करी हैं, बट मुझे वो बिल्कुल भी सूट नहीं हुई। सच बताऊँ तो किसी ने मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ऑयली बना दिया, किसी की फ्रेग्रेंस बहुत बेकार है, तो मतलब मुझे ना पर्सनली वो फेस सीरम सूट नहीं करी, एंड फिर मुझे खुद को ये लगने लगा था कि शायद मेरे फेस के लिए कोई भी सीरम बनी ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे होगे, मुझे लगता था कि शायद फेस सीरम मैं कभी भी लगा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि सब लोग यूज़ करते थे फेस सीरम अपने स्किन केयर में, बट मुझे कोई भी सूट नहीं होती थी। फिर मैंने ये वीडियोस वगैरह पे बहुत ज़्यादा देखी थी, एंड और इंस्टा वगैरह पे जो बीच बीच में एड्स आते हैं उसमें भी देखा था। फिर मैंने काफ़ी सर्च किया इस सीरम के बारे में, देन मैंने ये परचेज़ करी थी, और जब मैंने ये परचेज़ करी थी मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, एंड उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको तब जब कुछ मतलब टाइम लगाकर मैं इसको रिव्यू दूंगी, मतलब 1-2 महीने यूज़ करके देखूंगी। तो मैंने ये यूज़ करी है और मैं इसका दोबारा से परचेज ज़रूर करूँगी। आप देख सकते हो ये लिटरली यहाँ पे आ गई है, बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। सो मैं इसका सेकंड परचेज ज़रूर करूँगी, ये मेरा इसका फर्स्ट परचेज था, एंड ये मैंने क्यों मंगाई थी वो मैं भी आपको बता देती हूँ। अभी तो नहीं है ऐसा, बट पहले क्या था कि मेरे फेस पे जैसे पिम्पल हो जाते थे तो उसके मार्क्स रह जाते थे, तो मतलब जैसे पिंपल हो गया वो चले गया बट उसका मार्क रह गया, फिर एक पिंपल हो गया उसका वो चले गया बट उसका मार्क रह गया, तो काफ़ी सारे मतलब जैसे एक्ने मार्क्स हो जाते ना वैसे हो गए थे।
तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी, उसके लिए सही नहीं हुए थे। एंड फिर मैंने बीच में मेडिकल स्टोर वगैरह से क्रीम वगैरह भी ली थी, बट उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखा। नुकसान तो नहीं था, बट उससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ था स्किन पे, बट कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ था। तो इसलिए मैंने ये देखी थी, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है, मतलब सब लोग बताते हैं और मुझे भी अब लगने लगा है जब मैंने इतना यूज़ किया है, कि जिनको मतलब एक्ने प्रोन स्किन होती है, फिर जिनके मार्क्स वगैरह अगर आपको अपने फेस से एकदम क्लीन करना है, तो उनके लिए सैलिसिलिक एसिड होता है। मतलब बेसिकली आप अगर अपने फेस से कोई भी मार्क्स वगैरह हटाना चाहते हो, एक्ने मार्क्स होते हैं, काफ़ी सारे मार्क्स होते हैं, तो अगर आप वो हटाना चाहते हो तो आपको अपने स्किन केयर में एक सैलिसिलिक एसिड वाला प्रोडक्ट ज़रूर इंक्लूड करना है। इसका फेस वॉश भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको सीरम यूज़ करनी है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप ये लेना। ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ करी थी एंड मुझे कुछ 439 के समथिंग पड़ी थी, और वैसे इसका प्राइस 499 है, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। मेरे को ये लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए यूज़ करते हुए, तो काफ़ी लंबा चल गया। एंड मैंने इसको हमेशा अपने नाइट स्किन केयर में ही फॉलो करा है, मतलब दिन में मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ। एक और चीज़, मेन चीज़ मॉर्निंग स्किन केयर होता है, अगर आप दिन में कोई अपना स्किन केयर कर रहे हो तो आप कोई भी सीरम लगाओ, यही नहीं कोई भी सीरम लगाओ, उसके बाद आपको सनस्क्रीन ज़रूर ऐड करनी, मतलब आप कोई भी सीरम बिना सनस्क्रीन के मत लगाना। सो मैं इसको दिन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने काफ़ी टाइम देखा भी है, खुद पे भी देखा है और बाकी लोगों पे भी देखा है, कि ज़्यादातर जो हमारे नाइट स्किन केयर होता है ना, वो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि दिन में क्या होता है, हम लोग बाहर भी जाते हैं, धूप पे भी जाना पड़ता है, कभी कभी वीडियोज़ बनाने के लिए मेकअप भी करना पड़ता है, तो वो स्किन केयर इतना लंबे टाइम के लिए नहीं हो पाता है, मतलब हमें मुँह धोना पड़ जाता है। तो अगर हम रात में ज़्यादातर स्किन केयर अपना अच्छा करेंगे, तो हमें पूरी रात कहीं जाना है नहीं, और स्किन एकदम क्लीन रहेगी, तो उस पर आप अपना स्किन केयर अच्छे से कर सकते हो। सो मैं इसको रात में यूज़ करती हूँ। मैं मतलब डायरेक्ट इसका जो ड्रॉपर वाला फॉर्मूला है, इसका ड्रॉपर वाला फॉर्मूला लाइक दिस, सो मैं डायरेक्ट इसी से अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। एक ड्रॉप इधर, एक ड्रॉप इधर, और एक ड्रॉप यहाँ पे। सो मैं 3 ड्रॉप मेरे फेस के लिए काफ़ी है, तो मैं वैसे यूज़ करती हूँ, एंड बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। सो मैं डेफिनेटली इसको परचेज़ ज़रूर करूँगी दोबारा। आपको ही बोलूँगी, अगर आपको अपने फेस पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो आप ये सीरम ज़रूर ऐड करना अपने स्किन केयर। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये बायोटेक का बॉडी वॉश, एंड इसमें मेरा फ्लेवर है ये मॉर्निंग नेक्टर। तो इसके अंदर तो आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, मतलब लगभग 7-8 फ्लेवर्स तो आराम से मिल जाएंगे इसके अंदर आपको। तो मैं पर्सनली ये मॉर्निंग नेक्टर, मतलब समर्स के टाइम पे मैं ये मॉर्निंग नेक्टर फ्लेवर है एक ये, और एक इसका कुछ पार्सले और कुकुम्बर का आता है एक वो, तो मैं ज़्यादातर गर्मियों के टाइम पे यही यूज़ करती हूँ। और मैं सर्दियों में फ्लेवर चेंज कर देती हूँ, एक एप्रिकॉट का आता है, आलमंड्स का आता है, तो मैं उस हिसाब से ले लेती हूँ। काफ़ी सारे इसके तो फ्रूट्स के फ्लेवर्स भी आते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है वैसे ले सकते हो। एंड ये 100% सो फ्री है, इसके अंदर कोई भी मतलब केमिकल्स वगैरह, जैसे मतलब किसी किसी बॉडी वॉश के आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, मतलब जैसे एसिड वगैरह जैसे वर्ड भी यूज़ करे जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी कि क्या है ये, बट इसके अंदर ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड सबसे अच्छी चीज़, इसका प्राइस है 220, बट ये ऑनलाइन शायद 200 के समथिंग ही मिल जाता है, सो आप चेक कर सकते हो। तो ये बॉडी वॉश बहुत ज़्यादा अंडर बजट है, काफ़ी ज़्यादा ही अफोर्डेबल है, मतलब 200 रुपये में आपको मिल रहा है, एंड बहुत ही लंबे टाइम के लिए चलता है, क्योंकि बॉडी वॉश हम ज़्यादातर 1-2 ड्रॉप ही लेते हैं, उसमें ही पूरी बॉडी हो जाती है कवर। एंड मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, तो ये स्किन पे बहुत ज़्यादा जेंटल है, एंड जो इसकी खुशबू है ना, सबसे मेन चीज़ होती है, हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे स्किन केयर, चाहे मेकअप, चाहे बॉडी वॉश वगैरह, बॉडी केयर का हो गया, चाहे हेयर केयर का हो गया, मेरे को ज़्यादातर वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने अच्छे लगते हैं जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड हो। तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मुझे ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सबसे अच्छी है कि काफ़ी नेचुरल है, आयुर्वेदिक वाला इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो या अगर आपको एक अंडर बजट बहुत ही अच्छा बॉडी वॉश चाहिए, तो आप ये ले सकते हो, एंड ये सारी स्किन टाइप पे चल जाएगा, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली नॉर्मल कोई भी हो, सब पे चल जाएगा। तो या आप ये वाला बॉडी वॉश ट्राई कर सकते हो। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, एंड ये तो मैंने अभी अभी परचेज करा है, थर्ड टाइम परचेज करा है ये मैंने, एंड आप देख सकते हो अभी तक इसकी मैंने ये पॉलीथिन वाली जो अंदर ये आती है ये भी नहीं हटाई है, क्योंकि मैंने अभी तक ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, ये भी कुछ टाइम पहले ही मुझे रिसीव हुआ था, तो ये तब से ऐसे का ही रखा हुआ है। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बार लगी है, जो पहले अगर आपने मेबेलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट यूज़ करा है, तो पहले की आपने पैकेजिंग देखी थी कैसी थी, और अब की देखो, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब चेंज कर दिया, ऊपर फिट मी करके लिख दिया है, एंड बहुत ही एकदम टच करने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। सो पैकेजिंग पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है, बहुत अच्छी पैकेजिंग भी कर दी है, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो मुझे लगता है मिरर,
पाउडर के अंदर मिरर तो हमेशा मिलना चाहिए। तो मेरा एक डेली के लिए कॉम्पैक्ट होता, मतलब जो मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉम्पैक्ट होगा वो यही होगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं इसी को ही रख के लेके जाती हूँ, इसी को ही लगा के जाती हूँ, क्योंकि ये एकदम ना ऑयल कंट्रोल कर लेता है फेस से, काफ़ी फेस को मैट बना देता है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है ये एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। एंड इसमें मेरा शेड है 128, सो बेसिकली मेरा जो फाउंडेशन का शेड है मैंने उससे मैच करता हुआ ही कॉम्पैक्ट लिया था। इसके अंदर भी काफ़ी सारी शेड रेंज है, सो आप चेक कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है। अगर मैं आपको बोलूँगी एक अफोर्डेबल साइड में कोई कॉम्पैक्ट चाहिए आपको जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो तो आप ये ले सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। एंड ये तो अगर आप मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहे हो, मतलब शुरू से अगर आपने देखा होगा तो इसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी अपनी वीडियो में, एंड अगेन मैं इसकी आज फिर से तारीफ़ कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीलर है। एंड इसका प्राइस कुछ मतलब ऑनलाइन आपको 180-190 के समथिंग ये मिल जाता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे आप देखोगे तो अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे आपको, बट अमेजोन पे ये 180 से 190 का मिल जाता है। एंड इसमें मेरा शेड है 02 सैंड सेबल, तो ये एक मतलब अंडर 200 के अंडर आपको ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और प्लस ये फुल कवरेज कंसीलर है, आप बहुत हल्का सा लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कवरेज देगा आपको ये। एंड मैं आपको हल्का सा लाइक दिस, और मैं अगर इसको ब्लेंड करती हूँ तो ये आपकी स्किन में एकदम बिल्कुल सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा। सो बहुत ही अच्छा कंसीलर है अगर आप अभी अभी मतलब आपने कंसीलर लगाना स्टार्ट करा है, या अगर आपने अभी अभी मेकअप स्टार्ट करा है, आप बिगनर्स फ्रेंडली कंसीलर चाहिए सो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। मुझे कोई सबसे पहले कंसीलर पूछता, सबसे पहला जो मैं कंसीलर बताती हूँ मैं वो यही बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अफोर्डेबल साइड में ही जाना पसंद करते हैं, तो उसमें ये कंसीलर बेस्ट है। और प्लस आपको अंडर 200 में फुल कवरेज मिल रहा है, तो आप ये पार्टी, शादी, वेडिंग्स वगैरह कहीं पे भी मतलब लगा कर जा सकते हो, तो बहुत ही अच्छा कंसीलर है। ये मेरा थर्ड परचेज है, इससे पहले मैं इसको दो बार ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी, सो या डेफिनेटली आप ये कंसीलर ट्राई करना। ओके, सो जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर। ये मेकअप फिक्सर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। अच्छी चीज़ है फ्रेग्रेंस जो मैंने आपको बताई इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ना अच्छी ना बुरी, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है ये। दूसरी चीज़ इसका जो एकदम स्प्रे आता है ना फेस पे स्प्रे करने के बाद बहुत ही ज़्यादा फाइन स्प्रे है, एकदम ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आपके मुँह पे मार दी हो। कुछ कुछ मेकअप फिक्सर्स में ऐसी प्रॉब्लम है, ये एकदम इसका मेकअप फिक्सर बहुत ही फाइन है। आप इसको अपने फेस पे स्प्रे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। देन थर्ड चीज़ इसकी पैकेजिंग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पैकेजिंग है इसकी। एंड फोर्थ जो मेन चीज़ है वो है प्राइस। इसका प्राइस मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में सारी ही लिंक्स मेंशन कर दूँगी जितने मैंने प्रोडक्ट दिखाए हैं, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो वहाँ से। तो अगर आपको एकदम अंडर बजट बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर चाहिए जिसका स्प्रे भी बहुत ज़्यादा फाइन हो, जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं हो और काफ़ी अच्छा रहे और आपका मेकअप एकदम लॉन्ग लास्टिंग भी बनाए, आप डेफिनेटली ये मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर ट्राई कर सकते हो। एकदम नेचुरल फिनिश देगा, बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है। सो या लास्ट प्रोडक्ट था हमारा ये, आप ट्राई कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड मैं ये सारे प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली आगे भी परचेज करती रहूँगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं आगे वापस परचेज करूँगी ख़त्म होने के बाद। एंड मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एंड काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर अपना फ़ायदा देख रहे हैं तो सामने वाले का फ़ायदा भी देखना चाहिए। सो या इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो या अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो आप वापस खरीद सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।